फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। विशाल खबर के सभी दर्शकों का केशव तिवारी के राम राम। आज हम फिर सुना दादू कार्यक्रम में ददोली पाणी के साथ उपस्थित हैं और हम सुना दादू कार्यक्रम में एक बघेली में जैसन की हम पांच चर्चा करी थे तो एक सतना में समय इट्ठे कौनो ददोली भाई समाज सेवी टपकी है कहो बाहर को कहा तो राम राम भैया सब को कह इसकी बंगलौर से टपकी है तो वह पहले सतना शहर के नेत्र रोग इनके कैंप लगाईस फिर वो डाटा वाटा जुटा लीस और कुछ लोग ये कहते कि नेत्र रोग इनका कही थे कि चश्मा जाते चश्मा नहीं दीस और अब पूर महीना भर शिविर चल रहा है वाखर वह समाज सेवी अभी तक कहाँ रही कुछ लोग कहते रामपुर बघलान के आए अब कहाँ के आए नहीं जानी हम लेकिन कुछ लोग ये कहते कि भाई बंगलौर में रही यहाँ रही वहाँ रही का वो सवाल सब ठीक है लेकिन वो पहले नेत्र रोगिन के शिविर लगाईस ओके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सदस्यता ले लीस अब कहती हम चुनाव लड़ब अब मान ले कुछ लोग कहते हो विधानसभा लड़ी कुछ लोग कहते लोकसभा लड़ी चली हम अब विधानसभा ने रहे हैं पहले विधानसभा में चर्चा कर ली कि मान ले जो विधानसभा के टिकट वही मिल गए तो जनता के कापत किया रही बहुत अच्छा तिवारी जी राम राम सगले जनता का राम राम। ये जौन अपना पूछन तिवारी जी थी ये वास्तव में एक 10-15 रोज से यही नहीं इनके चर्चा पूरे शहर में चल रही है और ये जौन एक समाज से भी कथित समाज से भी महिला जाकर अपना वो करें तो देखिए कहा है कि तिवारी जी जैसे हम अपना पहले चर्चा करें कई एक बेर चर्चा करें कि जौन मेर से सामाजिक बदलाव होते वो इन मेर से बहुत सारे राजनीतिक बदलाव होते राजनीति के रास्तन में बदलाव होते पहले हम अपना चर्चा कर रहे कि भाई पहले जन आंदोलन से नेता आवत रहे निकरा करत रहे और जनता के सवाल कर लेके लड़ें झगड़े फिर उन्हीं के प्रभा मंडल बने उन धीरे से फिर राजनीति में आवें समाज सेवा के माध्यम से आवें फिर एक दौर ऐसा चला कि जब पैसा परिक्रमा चरण बंधन से आमे लाग नेता अय्या देखी तिवारी जी हमका लागत है कि ये हमें थोड़ी से और बदलाव अब भा लेटेस्ट जो उन घटनाक्रम अवैध आखें का मिल रहे हैं तो हमें लागत है देखी जब बदलाव होते तो बहुत लोग नहीं समझे पावत आए एक यह बदलाव देखें का मिला कि ये जो उन द्विविधन से आवत रहे राजनीतिक कार्यकर्ता तो ये तीसर विधा एक विकसित हो गई जौने विधा से यह महिला समाज से भी आई राजनीति में आई देखी जौने दिन या सदस्यता लीन हिस एक महिला हम नहीं जानी को आए कैसा ना आए और हम आए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हम न वो हमसे बोली सा ना हम उससे बोले आए पर देखे न जिन न आई तो अपना जैसन कार्यकर्ता से काहे बोली वह काहे लोग ये बतावत है कि बड़ी बड़ी अमीर ही बड़ी धनाढ़ ही तो सुनन की भरौत नगर में 3 करोड़ के कोठी लीस तो ये बताइए कि अपना जैसे सामान्य कार्यकर्ता से वो काहे बोले हाँ काहे का बोली भाई वही है मालूम है कि हम वोट खरीद ले आप वोट खरीद ले अपना 5 दिन से वही बातचीत करें कि का जरूरत थी देखी तिवारी जी वो जौन रास्ता से स्वाचत ही वे राजनीति मामले का वह रास्ता ओके खीतिर परफेक्ट नहीं आ वही पता नहीं आपको चढ़ा देनी सी कि यह रास्ता से तोर सफलता ही वही कुछ लोग या कहीं जे हम पवित्र संस्था अपन मानी थे हमहू मानी थे वही पवित्र संस्था हाँ, तो लेकिन हम वही ये कह सकते कि वह है प्रचारित कर हिंदूवादी संगठन के कुछ हाँ ऐसा लोग है जे ओके यहाँ कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं माने जेकर अब कैसन रात है ये तो नहीं जानी लेकिन जो उन्हें एक शहर मोहल्ला उड़ा कि वो एक हिंदूवादी संगठन के जौन लोग हैं वो प्लांट करें अब हम कितनी सच्चाई तिवारी ये तो देखिए ऐसा है कि
पहले वो मंच में बैठत रहे हाँ। फिर उस कुछ अखबारन अखबारन में फोटो वोटो छपी हाँ। तब वो मंच के नीचे हो गए, पर्दा के पीछे हो गए, तो ये सब चल रहा है। लेकिन हाँ। हम कही थे कि भाई अगर तुम अच्छा काम कर रहा है तो तुम फिर मंच में बैठत रहते, मंच में बैठत रहता, काहे माने पर्दा के पीछे और पर्दा के नीचे जाने की जरूरत का है। हाँ, लेकिन जो ये रास्ता से हुई राजनीति में के सीढ़ी चढ़ा चाहती है या कभी सफल नहीं हो सकती हैं तिवारी जी। देखिए पहले वो अपना देख ली, एक जमाने में हमारे मांगेराम जी लड़े रहे चुनाव, बड़े ताम झाम से लड़े रहे और सब उनके प्रचार प्रसार में। अरे अपना वहाँ तो नहीं, जौने दिल्ली में बड़े बड़े नेता बैठे हैं हाँ, मुड़ा उसे में वहाँ किरण बेदी जो है लड़ी रही, किरण बेदी का देश दुनिया सब जानत रहे, उन्हीं मुख्यमंत्री प्रपोज कर दिन का, भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही तो मुख्यमंत्री बनी है, सरकार बनब तो बहुत दूर हाँ, किरण बेदी पूरे दिल्ली का माने अपन विधानसभा नहीं भेद पाई, नहीं भेद पाई का माने तो यह सतना विधानसभा देखी बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है और सतना जिला जो है तो बिंध के द्वार माना जाता है, वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी इतना गड़बड़ करिस तो यह मान ले कि भारतीय जनता पार्टी अपन आत्महत्या या करिस। और जैसे कहा थे ना, हम कहते थे दे दें टिकट और अब या खुसुर पुसुर नहीं करें, नहीं बोले कुछ, पर हमरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं कि हम खुल के विरोध करब, का हमरे भारतीय जनता पार्टी में महिला नेता नहीं आई, ममता पांडे हैं, विमला पांडे हैं, सीमा यादव हैं और तमाम इतनी महिला कार्यकर्ता हैं कि जो माने भारतीय जनता पार्टी का इतना आत्महत्या करी तिवारी जी, जी 12 महीना काम ले थी वे कार्यकर्ता से हाँ। 12 महीना माने 5 साल 12 महीना निरंतर काम में लगाई रहा थी हाँ। जब चुनाव लड़े का हुआ थे तो ऊपर से लांच अगर इतर के लोगन का करी तो निश्चित रूप से अपना मानव देखब देखब कार्यकर्ता न ढूंढे मिली है जौने बोरे है वो हिंदूवादी संगठन के जो अरे वो कर्मचारी नस लगे हूँ न कहीं है। अरे हमारे उसको जानी कितने दठ बगावत हुई है, लड़ गई हैं। अब हमें लागत है कि बिंद जनता पार्टी का अगर यह फैसला होते तो बिंद जनता पार्टी फिर सतना माई मुख्य भारतीय जनता पार्टी बन जाए और अध्याखब और अपन लय लुग्गी बगिया आए आला साला या वो करत दवाई पैरासीटामॉल और पहल बेर हुई तिवारी जी अपना सतना का इतिहास देख ली, देखे ना जब जब इतर के गलती करी थी भारतीय जनता पार्टी हाँ, तो बी एल यादव जीती नहीं गिरे भारतीय जनता पार्टी दिन ही बिना जनाधार के नेता का ही तो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं रही है, लड़ाई बी एल यादव से भय बी एल यादव निर्दलीय जीते, मांगे राम का दिन ही जो जनता के बीच में कुछ लेना देना नहीं रहा है मांगे राम जी के हुकुम चंद जैन जनता पार्टी के लहर में हार गए, जनता पार्टी के लहर में जब खूंटा खंभा जीते तब हुकुम चंद जी का ऐसे लालजी भाई अग्रवाल हमारे इतने वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन वरिष्ठ नेता हों के भले रहे हैं लेकिन जनता के बीच में उनका इम्पैक्ट नहीं रहा है, तो जब लड़िन तो देखिए लड़ाई में नहीं रहे यार, लड़ाई में मुरलीधर शर्मा रहे हैं महिला छाप चुनाव चिन्ह रहा उड़कर लड़ाई, तो अपना देखब अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी गलती करा थी कराना चाहिए, बहुत लोग समझे बूझे वाले वहाँ बैठे में का जो हम पंचे देख रहे हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता तो कौन दिखात हो गया, अगर भारतीय जनता पार्टी यह गलती करी तय समझ ले कि पूरे बिंद में ही सुपड़ा साफ हो जाए, यह बिंद के द्वारा माना जाते भारतीय जनता पार्टी के समझा चाहिए बात का कि सतना बिंद के द्वार माना जाते, बिंद के हवा ऐसे सिंगरौली तक जाती यह समझ ली और इतनी बड़ी गलती करी सगर भारतीय जनता पार्टी कि काल अब वो पधारी ही वे महिला और वो ही अगर टिकट मिल गए हमें तो लागत है अबे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों न गए हुई वो महिला, वो कहे के जाए कार्यालय वाले जब वही भारतीय जनता पार्टी की जो बने हैं मैं को अध्यक्ष बना को कुछ बना उन कुछ मंत्री नहीं आए, को कही की अध्यक्ष जो उन्हें चोरी चोरी दिल्ली गए और कहीं कि हाँ इन्हीं टिकट दे दी दिन जाए तो फिर जिताऊ तो ले आए फिर देखब के लड़ाई लड़ाई में अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाए तिवारी जी तो आज हम कह दी थे भारतीय जनता पार्टी अगर इतर का आत्मघाती निर्णय ले तो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई जो लाडली बहना का जो पैसा दे लाग अरे कुछ न काम है यही लाडली बहना के माथे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तन के पार्टी या हजारन हजार कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं यह निर्णय को कौन नहीं स्वीकार कर सकता तिवारी जी और अपना देख लिया एक तो ऐसा हो ही ना लोग नहीं लागे कि ऊपर जब अपना के बैठक होती
तो मैं कहा जाते देवतुल्य कार्यकर्ता, आपको प्रत्याशी से कोई नहीं देना, आपको कमल का फूल देखना है, हम चाहे यही उतार दे। जैसे सब में बदलाव होगा तुम अब देवतुल्य कार्यकर्ताओं में बदलाव होगा। अच्छा, देवतुल्य कार्यकर्ता अगर तुम होम के जगह कंडा उंडा धर दिया तू देवतुल्य कार्यकर्ता बधावा कर दिया ये समझ ले फिर इन्हीं रही नहीं जाए का है। और अगर यह यतर का निर्णय हुआ है यह भारतीय जनता पार्टी की थी आत्मघाती कदम हुई और फिर हमका नहीं लागत दिया कि सरकारों बनी जब यतर के निर्णय होते बिंद में आखिर इतना असर पड़ी तिवारी जी कि अपना देख ले आप फिर कोई रोक नहीं सकता है। आई सतना में तो खैर लड़ाई में न रही फिर भारतीय जनता पार्टी अगर यतर के नहीं माने ऊपर से आए तो अगर कुछ पिछ लग्गू जौन है वो बतावत है कि भाई 3,000 पब्लिक आई शिविर में 5,000 5,000 जन बता तिवारी जी जौन एनजीओ में हम काम करते रहे हैं वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एनजीओ आ रहा और ओके फेडरेशन के हम जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। हम जानी थी नहीं एनजीओ वाले इनके कौन मेरे इनका काम रहा है अकाउंट काम रहा है लेकिन यतर काम न हो रहा था कि तुम शिविर लगा के फिर चुनाव लड़ लिया यतर मत बता दे कि कौन एनजीओ वाला चुनाव लड़ा होगा कि विधानसभा में बैठ गया विधानसभा में बैठ गया कि लोकसभा में बैठ गया। तुम बड़े एनजीओ वाले कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता है तो समाज में काम करा और जो तुम समाज सेवा या जो छद्म समाज सेवा है जो दिखावे के दिखावे के समाज सेवा की चुनु चुनु गोली बांट के पैरासीटा माल या माल व माल बांट के तो जनता जाना थी वह जनता जितनी देर टिकट हो जाइए जितनी देर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रांत कार्यकर्ता हैं उनका टिकट काट के यतर के लोगन के जितनी देर टिकट दीन जाइ उतनी देर आलम अपना देखा फिर हजारन हजार कार्यकर्ता वह दिन इस्तीफा दें भारतीय जनता पार्टी से और कौनों एक आदमी दुई आदमी एक आदमी कौन कौन बगावत करी और ये लड़ाई से बाहर हो जाई लड़ाई हो इनसे हुई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हुआ का जरूरी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 12 महीना काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में एक एक से महिला आई जिनकर समाज के अंदर बहुत काम है और जो निरंतर 4 साल 5 साल काम करत रहती हैं जब उनके अधिकारन का जब नंबर आवत हो तो इतर से तुम लॉन्च करके नहीं और कहू के दिया तो फिर ओकर परिणाम बहुत घातक हुई है। भारतीय जनता पार्टी के ये स्वाचा चाही और भारतीय हमारा अंदाज है कि भारतीय जनता पार्टी सोची अब हम कौनों अधिकारी को तो जानित न हो हैं या इन्हीं का प्रोपोगंडा हो सकत हो कि जो कि माने सदस्यता लिया फिर फैला उब फिर शिविर करब कि अब इन्हीं का मिल रही टिकट इन्हीं का मिल रही टिकट ऐसा तो लेकिन हमें ऐसा लागत है कि हम जो बातचीत की हैं सतना शहर में बहुत सारे लोगों से तो वातावरण विरोध में बन चुका है विरोध में वातावरण बन चुके नाम ले लिया था भला बुरा कहे भला बुरा कहे लागत थे और हमसे पंचन से लोग सवाल कर रहे थे कि यार कौन मेर के तुम्हार पार्टी है तुम्हारे पार्टी में कार्यकर्ता 12 महीना काम करत रहते और का एक कार्यकर्ता नहीं तैयार हो अपना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से नेतन की भगदड़ मची है भगदड़ मची है और यह भगदड़ के बादों मैंने इतना आप अहंकार पार्टी के नेतन के यतर के निर्णय अगर भारतीय जनता पार्टी ले ली तो भगदड़ नहीं कचरा उंधन मच जाए तिवारी जी ये समझ ले अपना को एक कौनो कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सके यतर के निर्णय। अब आज कोनो महिला पूर्व विधायक कांग्रेस आप पार्टी के सदस्यता ले रही है हाँ तो भाई अगर ये तर के निर्णय ले आए तो को जानी ये तो खाली हो जाए डब्बा आज कर दें घोषणा फिर काल से देख लें कि क्या हुआ थे। भारतीय जनता पार्टी हम पंचे जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ हमें तो जो जनता पार्टी और समाज के अंदर काम कर रहे थे मैं ये तर के निर्णयन का प्रतिकार करें तो हम पंचन का बहुत अनुभव बहुत अनुभव है और बहु कई बेर बता चुके हैं कि जो तुम गलत निर्णय ले आ तो फिर हम जनता के दरवाजे में पहुंच जाओ और ये अगर गलत निर्णय भारतीय जनता पार्टी यतर का निर्णय अगर ले ली नहीं आत्मघाती निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय का कार्यकर्ता फिर न मानी और यतर के लोगों का सबक मिल जाए फिर कौनों अवेर यतर सबक मिली कि फिर कौनों यतर का निर्णय कभू न ले भारतीय जनता पार्टी अपना समझ लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद ददोली भाई हमारा अपना के एक समाज सेविका के संदर्भ में निकही चर्चा भय
और जनता के बीच के जो बातचीत हमारे पाँचन का पता चला थी, वह हम पाँच चर्चा के माध्यम से जनता के बीच। अच्छा, का तिवारी जी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के देखा सोचा चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे सक्षम कार्यकर्ता हैं, अगर महिला का देखें तो हमारे महिला कार्यकर्ता हैं तमाम, इनके बीच में से वो कर ले, अगर इन्हीं कुछ दिन सिखामें उखामें बतामें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आया है, कबहूँ अपना के बीच में अगर हमें तो उनसे सवालों करब कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब भ रही समाज सेविक जी। देखा बाप, अबे तो मज़ेदार बात यही, हाँ, कि चुनाव तो लड़ा चाहती है, हाँ, लेकिन सतना शहर के जो उन दो चार थे उनका पिछलग्गु है, हाँ हाँ, उनके लगे, हाँ वो इन बता दो यार, आप तो बिल्कुल जीत रहे हैं, उनके नंबर भैया शिविरों या तरह लग रहे हैं, मैं कि कई से नहीं वोटर लिस्ट दे धर के नाम लिखे हैं, मैं कि दिलाउडा में लागी, डाली बाबा में लागी, टिकुरिया टोला में लागी, बजराहा टोला में लागी, हाँ, सब सब पार्षदों में, पार्षदन के माध्यम से लग रहा, पार्षदन के माध्यम से लागी। अब ठीक है, पार्षद वहाँ के कार्यकर्ता लोगन के थोड़ी बहुत इज्जत करत में, वो महिला के नहीं, जो समाज से भी महिला ये सरकर नाटक रच दी नहीं सिवे तो वो कर नहीं, लेकिन इन लोगन के ओकरा से तो अब ठीक है लग जाइए शिविर, अब फिर टिकट लाए के बाद शिविर लगवा ले हैं तो फिर बताओ अपना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद ददोली भाई, अपना ये संबंध में चर्चा की है और जनता के अंदर बड़ी उत्सुकता रही, ऐसे हम इलाक किया है संबंध में चर्चा की जाए चाहिए। हाँ, हम खुद दुखी हैं तिवारी जी, तमाम शहर के अंदर जो मेयर का वातावरण बना, अब हमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं आई तो बाद में पता चली, वैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी इतर के गलती करी ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी या कार्यकर्तन के भावनन का समझी और इतर के निर्णय आत्मघाती निर्णय भारतीय जनता पार्टी का भूमना ली।